सो वेलकम बैक गाइस। देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है आपका कक्षा 11वीं का, जो विषय आपका केमिस्ट्री का पेपर है। देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा रियल आ चुका है हमारे पास दोस्तों, अभी अभी आया। देख लीजिए यहाँ पर पूरा है आपको आपको अभी मिलने वाला है सिर्फ इसी वीडियो में दोस्तों। पूरा केमिस्ट्री का जो पेपर है आपका पूरा का पूरा मिलने वाला है, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। देख लीजिए पूरा का रियल पेपर आ चुका है मेरे पास, तो आपको वीडियो का अंत तक बने रहना। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सभी विषय के रियल पेपर हम ही उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उन तक जरूर पहुंचेगा सबसे पहले रियल पेपर। तो चलिए दोस्तों इस केमिस्ट्री के जो आपका पेपर है पूरा का पूरा रियल है। सो दोस्तों आइए इसकी बात कर लेते हैं। सो ये रियल है या फेक, देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा रियल पेपर है जो हमें अभी बहुत ही मेहनत से मिला है। लेकिन दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी ऑल सब्जेक्ट के हमारे पास अब रियल पेपर आ चुके हैं। अब आपको हर सब्जेक्ट का रियल पेपर मिलेगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो देख लीजिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है पूरा का पूरा आ चुका है। यहाँ पर आपका 70 मार्क्स का पूरा आने वाला है। यहाँ पर आपका टोटल टाइम रहेगा 3 आवर्स और क्वेश्चन यानी आपके क्वेश्चन रहने वाले 19। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दिए होते, चलिए दोस्तों निर्देश नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपके रियल पेपर जल्दी से जल्द पहुंचाना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा रियल पेपर है। सो आपको वीडियो अंत तक देखनी है, और चलिए आप वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए गाइस यहाँ पर पूरा का पूरा रियल पेपर है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सभी ऑल सब्जेक्ट के रियल पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। देख लीजिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको, जो दोस्तों आपके 7 नंबर के हैं। सो आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है, ये आपके सही विकल्प है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। सो गाइस यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तो मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन पेपर इसी वीडियो में पूरा दिखा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है। यहाँ पर देख लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। सो बिल्कुल सिंपल पेपर आया है आपका, पूरा आपको रट लेना है जल्दी से। ऑल एमपी में बिल्कुल यही आने वाला है सभी स्कूलों में। सो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। और चौथा यहाँ पर किसी तंत्र को बंद्र तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ, देख लीजिए यहाँ पर परिवेश के साथ डॉट डॉट का विनिमय करता है। यहाँ पर पांचवा है, देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों छठवा सातवा यहाँ पर दोस्तों इससे आगे का पेपर यहाँ पर है। तो देख लीजिए यहाँ पर फिर दोस्तों आपके रिक्त स्थान शुरू कर लेते हैं, जो दोस्तों आपको अंत तक देखना है। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, ड्यूटेरियम की खोज करता है डॉट डॉट है। देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर है, क्षार धातु डॉट डॉट तत्वों से संबंधित है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन, वो आपको जल्दी से टेक कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर आपका फिर आगे सी नंबर है, यहाँ पर डी नंबर पूरा देख लीजिए, सी नंबर देख ले, बी नंबर देख लीजिए, क्षार धातु डॉट डॉट तत्व से संबंधित है। यहाँ पर फिर आपकी सी नंबर है, शुष्क बर्फ होती है, फिर देख लीजिए ठोस होती है, या फिर आगे देख लेते डी नंबर सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम, और पेट्रोलियम के डॉट डॉट द्वारा पेट्रोल एवं केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे पूरा पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सही जोड़ी है उसकी बात कर लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी बनाना है आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर गीगा एम्पियर निष्कर्ष गैस निष्क्रिय गैस और मानव रुधिर का पीएच और हाइड्रोलेथ है। देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर है, लेकिन दोस्तों इसी वीडियो में हम पूरा दिखाने वाले हैं। यहाँ पर चलते हैं, आपके जो एक शब्द में उत्तर है या ये एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने होते हैं वो पूरे पूरे हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर दोस्तों अभी तक नहीं किया तो जल्दी से, क्योंकि दोस्तों हम आप तक बहुत ही मेहनत से 100% रियल पेपर आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा रियल पेपर आप तक ही प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए सबसे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर चौथा का सबसे कम क्षारीय धातु, सबसे कम क्षारीय धातु कौन सी है, वर्ग 2 में से एक, देख लीजिए यहाँ पर। फिर बा नंबर क्या कह रहा है, कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से
क्या अभिप्राय है। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। फिर देख लीजिए यहाँ पर आपका सा नंबर व्यंजीन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा रियल पेपर है यहाँ पर हमारे पास, पूरा दिखाने वाले हैं आपको। वीडियो के अंत तक बने रहना। देख लीजिए यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिए यहाँ पर पूरे हिंदी और इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना है और पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोजन स्ट्रैम में प्राप्त किन्हीं दो श्रृंखलाओं के नाम लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, देख लीजिए अथवा में दिया हुआ है साथ में क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि दो ही दिन में आपको पूरा पेपर सॉल्व तो मैं कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन पूरा मैं दे दूंगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके दूसरे वीडियो में सॉल्यूशन आ रहा है, सो आपको सॉल्यूशन देख लाना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डाइबोरॉन की संरचना बनाना है आपको। फिर अथवा में है, अपर रूपता क्या है, कार्बन के प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखना है आपको। सो दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सिंपल है, पूरा का पूरा पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों पूरे आपके जो क्वेश्चन आंसर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो दोस्तों पूरे के पूरे हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। सो आप तक ही सिर्फ पहुंचाना है। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप तक जरूर पहुंचेगा। अगर जो जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन तक पहुंचाना मुश्किल है दोस्तों थोड़ी, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को यार एक लाइक तो कर ही दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बेंजीन के 3 2 आबंध होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मिला लीजिए, पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पढ़ कर सुनाऊंगा तो दोस्तों 20-30 मिनट खा जाएंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से पूरा देख लेना है। यहाँ पर दोस्तों 8 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के नाम लिखिए। यहाँ पर अथवा में फिर क्वेश्चन, फिर 8 का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 9 आती है, यार गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पी ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पर चित्र द्वारा निरूपित करना है आपको। फिर अथवा में दिया हुआ है, द्रव्य के द्रव व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया, किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया, समीकरण के प्रत्येक संकेतों का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसका पूरा सॉल्यूशन हमने करके रखा है। अगले वीडियो में जो जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उन तक जरूर पहुंचेगा, और दोस्तों जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उन तक पहुंचाना मुश्किल है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो यार एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आपका, आयतन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। यहाँ पर आपको आयतन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। यहाँ पर अंतर लिख देना, बिल्कुल सिंपल है पूरा पेपर। फिर यहाँ पर 11 देख लेते हैं, 11 है आपका, इतने के उपयोग लिखना है आपको। फिर आगे चलते हैं, 11 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा रियल पेपर है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 आपको अच्छे से देख लेना है। फिर गाइस इसके अथवा में है, निम्नलिखित स्पीसीज का लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत करना है और दूसरा है उसी में लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार की परिभाषा लिखना है। तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए। फिर 13 है आपका, 13 है दोस्तों आपका, जल में स्वतः प्रोटीनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए। इसका महत्व लिख देना। इसके अथवा में है, कार्बन और बेरिलियम के परमाणुक हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन हाइड्रोजन टॉर्च किस प्रकार कार्य करती है। यहाँ पर पूरा रट लीजिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन तो आपको अगले वीडियो में मिलने ही वाला है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन जब तक इसका सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड होगा जब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 है दोस्तों आपका, लिथियम और मैग्नीशियम के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, समझाइए। यहाँ पर उसी के अथवा में क्या होता है, जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है और सोडियम पर ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका 14 क्वेश्चन खत्म होता होगा। फिर 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन जल्दी से मिला लीजिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम लिखना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए, इनके लिए IUPAC नाम लिखना है आपको।
फिर इसके अथवा में है एल्केन के प्रथम चार समझात यौगिक के नाम एवं सूत्र लिखना है। सो उसके नाम लिख देना है। इसका सॉल्यूशन तो दोस्तों हो गया, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा आपको। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ऊष्मा गतिकी की निम्न तकनीकों के शब्द को स्पष्ट करना है। इन शब्दों को दोस्तों आपको ऊष्मा गतिकी के नियम से सॉल्व करना है। यहाँ पर फिर आगे चलते हैं। अब आपका 17वां 18वां क्वेश्चन बताया तो जल्दी से आप देख लीजिए। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास, समूह के प्रथम सदस्य, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और श्रृंखलन का गुण और बहुबंधन बनाने का गुण। यहाँ पर फिर है उसके अथवा में हीरे एवं ग्रेफाइट की संरचना में अंतर। यहाँ पर अंतर लिख देना है दोस्तों आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है, 18वां कार्बनिक यौगिक में संबंध में नियम को समझाइए। यहाँ पर गाइस पूरा का पूरा रियल पेपर है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया इस वीडियो में। यार आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है जरूर, देख लीजिए। इसके अथवा में निम्न में से निम्न के रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखना है आपको, देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, पूरा का पूरा मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसका सॉल्यूशन पूरा मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं दिखा दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन जब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। सो गाइज ये वीडियो का अंत ही करते, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार एक लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को तो ध्यान करके सब्सक्राइब कर लेना। वो तो आपके जिंदगी का सवाल है, क्योंकि आपको 11वीं के अगर 11वीं में आप पास होना चाहते तो चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रियल पेपर ही, क्योंकि आपकी लॉकडाउन में थोड़ी पढ़ाई कम वीक हुई है इसलिए हम रियल पेपर डालने पड़ते हैं इस ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। सो गाइस वीडियो का अंत ही करते, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए।